नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप? मैं हूं सीएम में दीक्षा राजपाल, आपकी एसपीएम फैकल्टी। एसपीएम पेपर नंबर 20 लास्ट पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। उसका ए पार्ट है जो है एसपीएम। ये एसपीएम क्या है, आज मैं इस एसपीएम का एक ओवरव्यू देने आई हूं। एसपीएम मतलब पूरे पेपर का ओवरव्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ इस एसपीएम, ये जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में एसपीएम होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें इस एसपीएम को पढ़ने की, आज उस जरूरत को जानते हैं और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं जी एसपीएम। ये एसपीएम है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पेपर नंबर हमारा है 20, जिसको पढ़ाने वाली हूं मैं। बहुत ही इजी है, 50 मार्क्स का सेक्शन है, ये सेक्शन ए है पेपर नंबर 20 का, 50 मार्क्स है। और 50 में से मैं तो कहती हूं 50 लाने भी आसान है, 50 लाने भी आसान है, कब, जब हम उसको डीप में जाके पढ़े, एक एक वर्ड की, एक एक सेंटेंस की नॉलेज को गेन करें, पूरा कंटेंट समझें, तो ये 50 मार्क्स बहुत ही इजी हैं, ठीक है जी। तो चलिए इस एसपीएम को समझते हैं, बस ये एसपीएम ही है, ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ही है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब हमने अपनी तरफ से क्या किया है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज रहते हैं, वो 100 एम्प्लॉयज क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को मैनेज करते हुए चलना है स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिकली मतलब कि हमारे पास क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, जिससे हम हमारी परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं। ये वो परफॉर्मेंस है जो हमारे एम्प्लॉयज, हमारे मैनेजर्स हमारे लिए कर रहे हैं। हम हैं एक बहुत ही बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक, और मालिक होते हुए हमारा फर्ज बनता है ये जानने का कि जो हमारे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, हमने जिनको हम मंथली पे कर रहे हैं सैलरी, वो हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो क्या उतना काम हो रहा है जिससे हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। यही है हमारा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इन परफॉर्मेंसेस को समझना ही है अपने आप में पेपर नंबर 20, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है, इसी में ही पढ़ना है हमको सब कुछ। जो चार स्टडी नोट्स हैं एसपीएम में, वो चारों इसी के ही दम पे आगे चलने वाले हैं। क्या क्या टेक्निक्स रहेंगी, कैसे इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस को, कहीं पे फॉरकास्टिंग आ जाएगी हमारी, कहीं पे रिस्क आ जाएगा एंटरप्राइज का कि उसको कैसे हम मेजर करें, तो यही सब है क्या एसपीएम, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमारे एम्प्लॉयज की, मैनेजर्स की परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करते हुए चलना, अपनी एफिशिएंसीज देखना, मॉनिटरिंग करना, यही तो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो क्या ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम एनुअली कर ले, हमारा काम हो जाएगा, हम एनुअली देख ले मिस्टर ए ने कितना वर्क किया, मिस्टर बी ने कितना वर्क किया, मिस्टर सी ने कितना वर्क किया, एनुअली देख ले, तो उस पे मेरा रिप्लाई रहेगा नो,
अ बिग नो. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो आपको कंटिन्यूअसली करते हुए चलना है. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज कितना वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आज का दिन ऐसा गया कि हमारे एम्प्लॉयज ने कोई काम ही नहीं किया, तो नहीं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम कब करेंगे? कंटिन्यूअस बेसिस पे करेंगे. कंटिन्यूअस बेसिस पे हम हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को करते हुए चलेंगे. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ना हमारी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है उसको हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करेंगे. और दूसरी बात, जो ये परफॉर्मेंस है हमारी, ये जो हमारी परफॉर्मेंस है, ये क्या कर रही है? जब हमने हर चीज को कैलकुलेट करके देखा कि हाँ डेली आउटपुट हमारा इतना आ रहा है, इससे हम हमारे टारगेट्स को अचीव करेंगे, अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे. तो यही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को अगर आप ध्यान दें तो ये किससे लिंक अप करा रही है? हमारा लिंक विद, लिंक टू मिशन एंड गोल. जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन सेट कर लिया है, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हमें अचीव करना है. वो हम कब अचीव करेंगे? जब हमें पता चलेगा कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल पे चल रही है, तो हम हमारे टारगेट्स को अचीव करेंगे. अदरवाइज अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे. इट्स अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक इज द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. क्या ऐसा हम अल्टरनेट एक्शन लेके आए, क्या हम ऐसा करें जिससे हमारी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव पे इंप्रूव होती जाएं? इवैल्यूएट कर लें. यही होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, SPM. बहुत ही इजी सा पेपर है. इजी सा पेपर होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको ये समझ के बैठ जाएं कि इजी है तो हो जाएगा, थ्योरी पेपर ही तो है. ऐसा नहीं है. 50 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं और मैं आपको ये गारंटी देती हूं कि आप SPM मन लगा के पढ़िए, 50 में से 45 मार्क्स तो पक्के ही होते हैं. वो तब जब आपके पास डीप नॉलेज हो, कंटेंट क्लियर हो, तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं. तो मेरी तरफ से विश यू वेरी लक एंड मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, SPM की ही इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए मेरी तरफ से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो.